प्रेमी सजनों, ये रागनी उस मौके से कि जब उस दुर्योधन को वो भीड़ के बालक बांध देते हैं, युद्ध में हरा देते हैं, और धनुर्धर अर्जुन और भीम भीलों से लड़ाई लड़के दुर्योधन को छुटा के लाते हैं, तो दुर्योधन के दिल में रहम आ जाता है, दया आ जाती है, और यूं कहने लगे पांचों पांडवों से कि तुम वापिस चलो हस्तिनापुर में और मैं तुम्हें आधा राज देने के लिए तैयार हूं, तुम मेरे भाई हो। लेकिन द्रौपदी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बताया जाता है दोस्तों, यूं कहने लगी रे मेरे जेठ अधर्मी, जिस मुंह से तूने रंडी बोल रखा है, आज उस मुंह से बेचारी का शब्द कैसे निकल गया। अगर हमारा राज बटेगा तो बाणों से बटेगा, तू दे और हम भिखारी की तरह राज ले लें, ये शोभा नहीं लगता। ये तो मेरे पति बेशर्म हो गए हैं। और भला किस तरह से फटकारने लगी दुर्योधन को वो द्रौपदी, आइए इस रागनी के माध्यम से सुनाते हैं दोस्तों क्या लिखा है। हेरा पिटता हुआ छुटाया है, रे मत बोले जेठ अधर्मी, रे तू देव हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, हो तू देव हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी। अरे पिटता हुआ छुटाया है मत बोले जेठ अधर्मी, और तू देव हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, हो तू देव हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी। श्री अमीचंद मुक्तम जी 551 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल बेचारी कार, नगन जांग फटकार था आज, सीखा बोल बेचारी का, तेरे सुप्रम कवते सीख लिए, सुप्रम कवते सीख लिए, दुर्योधन जेठ कुकर्मी, तू तो हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, हो की बेशर्मी। दोस्तों श्री ओम प्रकाश सहरावत प्रधान, श्री खाटू श्याम शक्ति परामर्श समिति रंगपुरी महिपालपुर दिल्ली, दोस्तों 1100 रुपए का इनाम देते हैं, भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छाती धड़क रही, अरे तू संधि की बात करे मेरे दिल में ज्वाला भड़क रही, और नंगे सिर लई नाच सभा में बता कौन सी रड़क रही, ओ नंगे सिर लई नाच सभा में बता कौन सी रड़क रही, अरे पांच शेर रण में काटेंगे, तू देव हम राज
भाइयों की बेशर्मी। की बेशर्मी।